17वें मून स्कूल ओलंपिक के कर्टन रेजर कार्यक्रम के बाद से मशाल रैली के माध्यम से प्रतिभाग करने वाले स्कूलों को न्योता देने की परंपरा लगातार जारी है। शुक्रवार को इसी श्रृंखला में मून स्कूल ओलंपिक आयोजन समिति के कन्वीनर कर्नल ब्राइटलैंड स्कूल के निदेशक कर्नल अपूर्व त्यागी ने प्रथम सत्र में मशाल को शुभकामनाओं के साथ कर्नल ब्राइटलैंड स्कूल से विदा किया। टॉर्च रिले मशाल शमसाबाद रोड स्थित इंडियन हेरिटेज स्कूल पहुंचाई गई। इसके बाद इस टॉर्च रिले का विद्यार्थियों द्वारा बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और इस अवसर पर साथ चल रहे मून स्कूल ओलंपिक के शुभांकर टिंटिन और स्वामी ने बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई और हाथ मिलाकर मून ओलंपिक में प्रतिभाग करने का न्योता दिया। शुक्रवार को शमसाबाद रोड स्थित इंडियन हेरिटेज स्कूल में बड़े जश्न का माहौल था। मौका था 17वीं मून स्कूल ओलंपिक के 27 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे महाकुंभ का। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। स्कूल हो या कॉलेज, सभी जगह इस स्कूल ओलंपिक को महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सभी जगह जश्न देखने को मिलता है। शुक्रवार को जब मून स्कूल ओलंपिक महोत्सव की टीम अपने शुभांकर टिंटिन और स्वामी के साथ न्योता देने प्रतिभाग करने स्कूल इंडियन हेरिटेज स्कूल पहुंची तो बच्चे शुभांकर टिंटिन स्वामी को देखने के लिए व्याकुल उठे और बच्चों में शुभांकर के साथ फोटो खिंचाने और हाथ मिलाने की होड़ मच गई। शुभांकर टिंटिन और स्वामी ने भी बच्चों को निराश नहीं किया। उन्होंने बच्चों के बीच जाकर हाथ मिलाया और सेल्फी ली और 27 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे मून स्कूल ओलंपिक महाकुंभ में आने का सभी को न्योता दिया गया। बच्चों ने भी शुभांकर के न्योते को स्वीकार कर खुशी जताई। इस अवसर पर 17वीं मून स्कूल ओलंपिक आयोजन समिति के सचिव राहुल पालीवाल, मनीष तिवारी, सोमेश दुबे, विनोद सीतलानी ने बच्चों के बीच जाकर रिले टॉर्च मशाल सौंपी तो बच्चों ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया और मशाल सौंपने के बाद प्रतिभाग करने वाले छात्रों ने हाथों में मशाल लेकर विद्यालय प्रांगण में दौड़ लगाकर मून स्कूल ओलंपिक महाकुंभ का संदेश दिया। इंडियन हेरिटेज स्कूल के प्रधानाचार्य राजन मरवाय ने भी इस अवसर पर काफी खुश नजर आए। उन्होंने भी इस महाकुंभ में शहर से शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार किया और मून स्कूल ओलंपिक समिति के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए इंडियन हेरिटेज स्कूल की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। I think it's a Moon School Olympic Games, since they started 16 years ago, have been a tremendous effort put in by the Moon TV network as a company, thinking that what the government is forcing now about the students to take participate in all the sports activities, and they are promoting sports in all the corners of the country. So what Moon TV foresighted is 16 years ago, I think they have done a commendable job and they are still going to. I wish them all the success. See, I would like to thank the organizers because this is the very first time the Olympic flame has come to our school. This is the first time we have been getting this opportunity to welcome the Moon School Olympic flame, and thank you for this. Moon School Olympic Mahakumbh ka aakarshan itna hai ki isme प्रतिभाग करने वाले बच्चे ओलंपिक में शामिल होने के लिए बेसब्री से वर्ष भर इंतजार करते हैं। जैसे जैसे मून स्कूल ओलंपिक आयोजन की तिथि नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे बच्चों में बेताबी साफ देखी जा सकती है। शुक्रवार को मून स्कूल ओलंपिक की जब रिले टॉर्च मशाल रैली शमशाबाद रोड स्थित इंडियन हेरिटेज स्कूल पहुंची तो मून स्कूल ओलंपिक के शुभांकर टिंटिन और स्वामी को देखने के लिए बच्चे बेकाबू हो गए और खुशी में झूमने लगे। इस अवसर पर बच्चों की खुशी देखते ही बनती थी। स्कूल को ऑर्डिनेटर रितिका मल्होत्रा, स्पोर्ट्स हेड प्रदीप त्यागी, स्पोर्ट्स कैप्टन शौर्य जादौन, पूनम राजपूत सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे।